साथियों, मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक पांच पीएलआई श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है बालिकाओं का विद्यालयीकरण। बालिकाओं का विद्यालयीकरण अर्थात बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो समाज की प्रगति और विकास के लिए बालिकाओं का विद्यालयीकरण अति आवश्यक रहा है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र और मानव जाति के लिए बालिका शिक्षा का जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति और विश्व का जो उत्कर्ष है, बहुत अंशों में इस महत्वपूर्ण सफलता को सफलतापूर्वक हल करने में अवलंबित है। बालिका शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग है वह उनकी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है, क्योंकि शरीर के सबल होने पर बालिकाएं उच्च शिक्षा एवं उत्कृष्ट भावनाओं को अधिक योग्यता के साथ ग्रहण कर सकेगी, जिसके द्वारा न्याय की ओर उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति दृढ़ होगी, अपने आचरण को अधिक सबल बना पाएगी तथा आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श अध्यापिका तथा आदर्श समाज सेविका के रूप में देश के निर्माण में सहायक हो पाएगी। नारी ही अपनी कोख से बच्चे को जन्म देकर उसका लालन पालन करती है और राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त एवं चरित्रवान राजनेता, महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इंजीनियर, वकील एवं न्यायाधीशों का निर्माण करती है। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नारी का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाज के विकास में या राष्ट्र के विकास में जितनी आवश्यकता पुरुषों के शिक्षित होने की है, उतनी ही महत्वपूर्ण आवश्यकता स्त्रियों की शिक्षा भी अति आवश्यक रही है। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह राष्ट्र और समाज के भावी कर्णधारों के निर्माण के भावी कर्णधारों के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो राष्ट्र और समाज के भावी कर्णधारों के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी और राष्ट्र और समाज के विकास और उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए तथा उसे पुरुषों के ही समान शिक्षा प्रदान करने के उच्च अवसर प्रदान किए जाए। अतः अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बालकों की शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दें और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर समाज और राष्ट्र के विकास में उन्नति की जा सके। तो बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, जिसके कारण जो बालिका है वो शिक्षा से वंचित रह जाती है या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए कुछ समस्याएं आपको स्पष्ट की गई हैं। तो बालिका शिक्षा की कई समस्याएं हैं जिसके कारण उनका नामांकन हो नहीं पाता, अगर हो पाता है तो 100% नामांकन नहीं मिल पाता और बालिकाएं शिक्षा को बीच में ही छोड़ देती हैं। तो इसके लिए बालिका शिक्षा से संबंधित कई समस्याएं हैं, जैसे नंबर एक है आर्थिक समस्या, नंबर दो है रूढ़िवादिता की समस्या, तीन नंबर है अनुचित
दृष्टिकोण की समस्या। चार नंबर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अपरोधन की समस्या। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय के अभाव की समस्या। इसके अलावा अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या, शिक्षा के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या, ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसके कारण जो बालिका है वो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है और बालकों की तुलना में वह शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाती है। तो अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर एक है आर्थिक समस्या। तो हमारा जो देश है वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अतः बालिका शिक्षा संस्थानों की स्थापना में आर्थिक बाधा सबसे आगे आती है। कुछ विद्यालय जो व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, आर्थिक अभाव के कारण ये विद्यालय बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि इन्हें सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि बालिका शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। अतः इन आर्थिक समस्याओं के चलते विद्यालय बीच में ही कई बार बंद कर देने पड़ते हैं और जिसके कारण बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर दो है रूढ़िवादिता की समस्या। तो भारतीय समाज अनेक रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित रहा है। अधिकांश भारतीय जो है अपनी बालिकाओं का विवाह कम उम्र में ही कर देना अच्छा समझते हैं क्योंकि ऐसा न करना स्मृतिकारों के अनुसार पाप माना जा गया है और मुसलमान रूढ़िवादिता में हिंदुओं से भी आगे हैं। पर्दा प्रथा बाल विवाह का प्रचलन यहाँ बड़े पैमाने पर रहता है। तो इन सब कारणों से बालिकाएं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते क्योंकि छोटी ही आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है जिसके कारण वह विद्यालय नहीं जा पाती और उस पर घर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता की समस्या के चलते बालिका शिक्षा की यह प्रमुख समस्या है कि उन्हें समाज के अंदर जो है पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी समस्या से जूझना पड़ता है जिसके कारण उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता और वह शिक्षा से वंचित रह जाती है। नेक्स्ट है अनुचित दृष्टिकोण की समस्या। तीन नंबर है अनुचित दृष्टिकोण की समस्या। तो भारत में निरक्षरता का बोलबाला रहा है। निरक्षर व्यक्ति न तो शिक्षा का महत्व समझ सकता है और न ही उसका जो दृष्टिकोण है स्वस्थ हो पाता है। अधिकांश भारतीयों के अनुसार शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह केवल नौकरी प्राप्त करना ही रह गया है। अतः वे सोचते हैं कि जब हमें स्त्रियों से नौकरी करवानी ही नहीं है तो फिर बिना काम के इन्हें शिक्षा प्रदान क्यों की जाए। तो इस प्रकार शिक्षा का महत्व जब अभिभावक नहीं समझ पाता तो वह अपनी बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन रहता है। उसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना होता है जबकि स्त्रियों से नौकरी नहीं करवानी चाहिए। तो यह दृष्टिकोण अशिक्षित भारतीयों में देखने को मिलता है जिसके कारण जो बालिका है या स्त्रियां हैं वह फिर कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं और उनका जो जीवन है वो घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाता है। अर्थात घर गृहस्थी को संभालना ही वो
उसका मुख्य कर्तव्य बन जाता है। तो इस कारण जो स्त्री है वो आगे बढ़ नहीं पाती। फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या, चार नंबर। तो हमारे देश में बालिका शिक्षा प्रशासन जो है वह दोषपूर्ण रहा है। कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री शिक्षा के प्रशासन का जो भार है वह पुरुष अधिकारी वर्ग पर ही है, परंतु पुरुष अधिकारी जो वर्ग है वह बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को न तो वह भली प्रकार से समझ सकता है और न ही वह बालिका की समस्याओं को दूर करने में रुचि दिखाता है। तो इस प्रकार दोषपूर्ण शिक्षा की समस्या के चलते भी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बालिकाओं की समस्या को जब पुरुष अधिकारी के वर्ग के द्वारा अच्छे ढंग से नहीं समझा जाता और जब पुरुष इनकी समस्याओं को सुलझाने में रुचि नहीं दिखाते हैं तो इसके चलते बालिकाओं को जो अपनी पढ़ाई है वो बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है और जो बालिकाएं हैं वह शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, पांच नंबर। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, तो बालिका शिक्षा की सबसे अधिक अपव्यय और अवरोधन की समस्या से जो ग्रसित है। अपव्यय और अवरोधन बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है। कार्य अधिकता, निर्धनता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के कारण अनेक स्त्रियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है और अनेक अभिभावक भी अपनी बालिकाओं को अधिक से अधिक प्राथमिक या मिडिल स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में रुचि दिखाते हैं और उच्च शिक्षा अध्ययन में जो अभिभावक हैं वह अपनी बालिकाओं को प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं या फिर रुचि नहीं दिखाते हैं, जिसके कारण जो बालिका है उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है और प्राथमिक या मिडिल स्तर तक की वह शिक्षा प्राप्त कर पाती है। नेक्स्ट है बालिका विद्यालयों की अभाव की समस्या, बालिका विद्यालय के अभाव की समस्या। तो हमारे देश में बालिका विद्यालयों का पर्याप्त अभाव रहा है। देश के दो तिहाई ग्राम ही ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी प्रकार के भवन नहीं हैं। देश के दो तिहाई ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी प्रकार के भवन नहीं हैं। शेष ग्रामों में अधिकांश जो विद्यालय हैं वह केवल छात्रों के लिए ही हैं। मजबूर होकर इन विद्यालयों में बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। तो बालिका विद्यालयों का सबसे अधिक अभाव जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रहा है। नगरों में तो बालिकाओं के लिए कुछ स्कूल और कॉलेज होते हैं, परंतु गांव में इनका पूर्णतः अभाव ही रहता है। तो बालिकाओं के लिए व्यवसायिक कॉलेजों का भी अभाव पाया जाता है। अतः अधिकांश माता पिता जो कि सह शिक्षा के विरोधी होते हैं तो वे फिर अपनी बालिकाओं को सह शिक्षा विद्यालयों में नहीं भेजते और बालिकाओं की जो पढ़ाई है वह बीच में ही रह जाती है। यही कारण है कि सह शिक्षा के चलते कुछ अभिभावक अपनी बालिकाओं को स्कूल नहीं भेज पाते और जो बालिका है या स्त्री है वह फिर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। नेक्स्ट है अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या, अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या। तो अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या भी बालिका शिक्षा की एक प्रमुख समस्या रही है। तो बालिका शिक्षा के समस्त स्तरों पर अध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। अध्यापिकाओं का अभाव नगरों की अपेक्षा गांव में अधिक देखने को मिलता है। इस अभाव के अनेक कारण हैं, जैसे स्त्री शिक्षा प्रचार प्रसार की कमी होना, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना अपमानजनक समझा जाना
और आवास निवास की सुविधाओं का अभाव रहना। तो जो स्त्रियां शिक्षित भी होती हैं वह फिर अपने पति या पिता की इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकती है। तो इस प्रकार अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या भी बालिका शिक्षा को काफ़ी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। तो बालिकाओं जो बालिका है वो शिक्षा का पाठ्यक्रम अनेक दोषों से युक्त है। बालिका शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो अनेक दोषों से युक्त है। शिक्षा के समस्त स्तरों पर बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। केवल चित्रकला, संगीत कला और गृह विज्ञान के अध्यापन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, परंतु इन विषयों के अध्ययन से बालिकाओं को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। उच्च शिक्षा स्तर पर इन विषयों का अध्ययन भी समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में बालिकाओं को जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। स्वतंत्रता और समानता का यह तात्पर्य नहीं है कि स्त्रियां अपने गृहस्थ के उत्तरदायित्व छोड़कर अभियंता बने, व्यापारी बने और पुरुषों के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। तो इस प्रकार दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या के चलते जो बालिकाएँ हैं वो फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं, जिससे उसका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या। तो सरकार बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। जितनी की बालकों की शिक्षा के प्रति रही है, वर्तमान सरकार ने यह अपेक्षा का दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार के जैसा ही अपना रखा है और इस कारण बालिका शिक्षा के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो सरकार के इस अपेक्षित दृष्टिकोण के कारण बालिका शिक्षा का जो वांछित विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार सरकार का जो दृष्टिकोण है वो बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक ही रहता है और बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। इसके कारण जो बालिका है उन्हें समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने यह अपेक्षा जो दृष्टिकोण है वह ब्रिटिश सरकार के जैसा ही अपना रखा है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार बालिका शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है और बालिका शिक्षा को कम ध्यान देने के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है और वह शिक्षा से वंचित हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या। तो नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण वासियों का जो दृष्टिकोण रहता है वह संकीर्ण रहता है और रूढ़िग्रस्त धारणा से ग्रसित रहता है। वे स्वयं निरक्षर होने के कारण शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या में शिक्षा का प्रतिशत नगरों की शिक्षा की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो इसके चलते ग्रामीण जो लोग हैं अशिक्षित हैं, जिसके कारण वह शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते हैं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना वे पूर्णतया व्यर्थ मानते हैं। तो ग्रामीण वासियों का मानना है कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करना, इसने तो प्राय घर जाना है, तो इसकी शिक्षा में व्यर्थ में धन खर्च क्यों किया जाए। तो यह जो संकुचित दृष्टिकोण है वह बालिका को शिक्षा से वंचित कर देता है। इसके अलावा गांव में आज भी बाल विवाह की प्रथा पाई जाती है और छोटी उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं और छोटी ही आयु में उन पर घर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है।
तो इस प्रकार बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाती हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन है। जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाए। तो इस प्रकार बालिका शिक्षा की ये प्रमुख समस्याएं यही समाप्त होती हैं। अब बालिका की शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिए किए जाने वाले उपाय निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे है बालिकाओं का शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, अर्थात बालिका अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए समाज में जन जागृति पैदा की जाए। इसके लिए चलचित्र, समाचार पत्र और सोशल मीडिया पर बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि अभिभावक भी बालिका की शिक्षा के महत्व को समझ पाएं और अपने बालकों के ही समान उसे शिक्षा प्राप्त करने में रुचि दिखाएं। इसी प्रकार नंबर दो पर है अभिभावकों से संपर्क किया जाए और उन्हें बालिका शिक्षा का महत्व बताया जाए। तो अनेक समाज सेवी या समय सेवी संस्थाएं हैं जो बालिका शिक्षा के उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो उनका यह कर्तव्य है कि जो माता पिता बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं, उन्हें बालिका शिक्षा के महत्व को बताया जाए कि बालिका अगर शिक्षित होगी तो समय आने पर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है और अपने परिवार की आर्थिक समस्या का समाधान कर सकती है। तो इस प्रकार अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर बालिका शिक्षा का महत्व उन्हें समझाया जाए। इसके अलावा नंबर तीन पर है बालिकाओं की संपूर्ण जो शिक्षा है वह निःशुल्क की जाए। तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वो बालिका शिक्षा में रुचि दिखाए और उनके विकास के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की जाए। अर्थात आर्थिक अभाव से ग्रस्त जो परिवार हैं वो कई बार पैसों के अभाव में अपनी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं करवा पाते, तो वो भी अपनी बालिकाओं की शिक्षा में रुचि ले पाए। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए, अर्थात शिक्षा ऐसी हो रोजगार मुक्त हो। तो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो व्यक्ति है या स्त्री है अपने पैरों पर खड़ी होकर रोजगार चला पाए। इस प्रकार पांच नंबर पे है बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए। इसके साथ साथ छह नंबर सह शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए, अर्थात अभिभावकों का दृष्टिकोण व्यापक बनाया जाए, ताकि अभिभावक अपनी बालिकाओं को अगर बालिका विद्यालय नहीं है तो वह सह शिक्षा विद्यालय में भी अपनी बालिका को पढ़ा पाए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों को मिश्रित विद्यालयों में बदला जाए, महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसके अलावा अप्रशिक्षित जो शिक्षिकाएँ हैं उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा शिक्षिकाएं जो ग्राम में शिक्षण कार्य करना चाहती हैं उन्हें ग्रामीण बना दिया जाए। इसके अलावा कमरणोत्तर कक्षाओं की योजना बनाई जाए। इसके साथ साथ हाई स्कूल स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए। इसके अलावा अध्यापिकाओं के आवास के लिए अलग से आवास गृह बनाए जाएँ और इसके साथ साथ मिश्रित विद्यालयों में स्कूल माताओं की भी नियुक्ति की जाए। तो इस प्रकार बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक उपाय किए जा सकते हैं, ताकि अभिभावक अपनी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में रुचि दिखा पाए। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है बालिकाओं का विद्यालयकरण, जो कि अत्यंत आवश्यक है, तभी समाज, परिवार और राष्ट्र का विकास संभव है। यहीं पर आज ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।